सो दिस वॉज द प्रेजेंटेशन एट ऑलरेडी क्रिएटेड प्रीवियस सेशन के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया था सो हाउ डू यू ओपन दिस मेरे पास तो ये ऑलरेडी ओपन है सो फाइल में जाके ओपन क्लिक करने के बाद जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सब डिस्प्ले होना शुरू कर देंगे और राइट और उस वहां पर जाके यू कैन सिलेक्टेड फ्रॉम दैम और ब्राउज क्लिक करने से जहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन स्टोर हुए हैं वो वाला फोल्डर खोल जाएगा टिकुलर थिंग यू कैन सिलेक्ट द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड ओपन डेम अभी तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन डी है ये जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्रिएट किया था सो विध दिसकेट टैप ड्रॉ टैप डिजाइन टैप सब कुछ देख चुके हैं एनिमेशन देख चुके हैं स्लाइड शो देख चुके हैं व्यू देख चुके हैं या नहीं यस सो हमें बाकी है सिर्फ रिव्यू का और ट्रांसेशन का सो so, पहले क्या देखने वाले हैं ट्रांसेशन देखने वाले हैं सो so, में आप जब क्लिक करोगे आपको ये दिखेगा कि यू हैव समथिंग सिमिलर टू एनिमेशन का विंडो एनिमेशन का विंडो क्या था अपीयर, स्विवल और उसके बाद रैंडम बार्स था और फ्लोट था वैसे ही देखो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन फॉर द स्लाइड्स हियर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कर्टन वाला If you add them, see your slide will come with a curtain opening. All right? Open करने के बाद आपका जो content होता है वो आएगा समझ में आया आपको So you can apply every single thing। अभी ये कैसे देख सकते हैं इधर आपको व्यू में जाके प्रेजेंटेशन व्यू में देखना पड़ेगा कैसे यू कैन गो टू व्यू और उसके बाद ये जो रीडिंग व्यू होता है वहां पे देखोगे तो देखो हाउ यू गेट द प्रेजेंटेशन सीन कर्टन ऐसे खुलेंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेचर आएगा और उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम गॉड ऐसे यू विल हैव एवरी सिंगल थिंग ओके सो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक स्लाइड के लिए वो कर्टन चूज किया था है या नहीं यस सो नो वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोन एंड दिस शो और राइट और ट्रांसेशन में जाके यहाँ पे जो कर्टन होते हैं वी आर गोइंग टू अप्लाई इट फॉर ऑल अप्लाईट फॉर ऑल मतलब हरेक हरेक साइड के लिए यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग डेम सोचो कि विंड यूज कर रहे हो विंड का मतलब क्या है ब्लैक स्क्रीन और वो ब्लैक स्क्रीन क्या कर रहा है हटके जा रहा है उसमें यस दिस कवर एंड अनक इज द ऑलरेडी यूज वन ये तो हम लोग बहुत सारे जगह में देख चुके हैं वेरन यू गेट अ ब्लैक स्क्रीन और उसके बाद वो ब्लैक स्क्रीन ऐसे ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड इट मूव एंड क्लियर इट आउट राइट So ये जो प्रेस्टीज होता है विंड होता है एवरी थिंग इज गोइंग टू हैव अ सेपरेट ट्रांसेशन ये तो हम यहां पर जो टेक्स्ट होता है या इमेज होता है उसके लिए नहीं करते हैं वी डू इट फॉर द एंट आयोर स्लाइड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसेशन यू कॉल्ड देशन समझ में आया आपको सो आई एम गोन टू सिलेक्ट वन ऑफ दिस ओके आई एम गोन टू सिलेक्ट वन ऑफ दिस और क्लियर सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करने वाली ओके सो कर्टन क्रिएट कर देते हैं right? और पे जो अप्लाई टू ऑल होता है आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट ओके सो यहां से क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू सी द स्लाइड शो स्लाइड शो कैसे देखेंगे यू गो टू स्लाइड शो एंड स्टार्ट फ्रॉम द या फिर प्रेस F5. देखो यू हैव द कर्टन फॉर द फर्स्ट वन ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था द फर्स्ट वन वर्क कर्टन और उसके बाद हम नेचर आएगा और उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम गॉड अभी स, देखो क्या हो रहा है दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट अगेन आउट अ कर्टन और वापस दूसरा टेक्स्ट आ रहा है समझ में आया आपको सो दिस इज ट्रांसेशन आपको तो एम टी स्लाइड ही नहीं दिखाई देगा है या नहीं सो दिस विल हेल्प अस इन मेकिंग इट मोर ब्यूटिफुल हमारा प्रेजेंटेशंस जो है उसे मोर प्रसेंटेबल और मोर ब्यूटीफुल कैसे कर सकते हैं ऐसे वाले ट्रांसिशन और एनिमेशन mm. के साथ और राइट सो देखो हाउ द आर मूविंग आउट है ना और उसके बाद जो लास्ट स्लाइड होता है दैट विल हैव है कनेक्शन एनिमेशन दैट वी ऑलरेडी डिड फॉर द टेक्स्ट एंड इमेज वो तो वैसे ही रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल ओके सो जो चेंज होगा वो सिर्फ स्लाइड का चेंज होगा अगर आपको साउंड चाहिए स्लाइड के ट्रांसिशन एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जब जा रहा है आपको जब साउंड सिलेक्ट करना चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो अपलॉस तो, का साउंड आएगा ओके okay? और बॉम्ब तो बॉम्ब का वो बर्स्टिंग साउंड आएगा सो एवरी टाइम यू विल योर स्लाइड ओके सो जब कभी आप देख सकते हो यू कैन वेरी वेल यूज द ड्यूरेशन कितने कितने सेकंड के लिए आपको चाहिए ये ट्रांसिशन ओके फॉर एग्जाम्पल आई एम गोन रिड्यूस दिस टू थ्री सेकेंड्स ओके अभी तो थ्री सेकेंड्स के लिए रिड्यूस कर रही हूं हम लोगों ने देखा था कर्टन वॉज मूविंग वेरी स्लोली है या नहीं यस सो वॉट आर वी गोइंग टू डू अभी स्लाइड शो में देखो दिस इज मूविंग अ वे टू स्लोअर आपको जो दिख रहा है दिस इज द कर्टन इज मूविंग वेरी वेरी स्लोअर सो वॉट कैन वी डू हम लोगों को जो टाइमिंग के भी कंट्रोल लेना है वो भी हम कर सकते हैं सो राइट नाउ इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज दिस टू थ्री सेकेंड कोल इन जीरो जीरो ओके सो यहां पे आपको रिड्यूस ही करना पड़ेगा यू शुड इन टाइप इट योर ओके सो यहां पे रिड्यूस करने के बाद क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू सी इट अगेन वो तो फिफ्टी नाइन सेकेंड्स के लिए था यस और नो सो so, हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं इट इज गोइंग टू बी फॉर सोचो थ्री सेकेंड थ्री सेकेंड से भी नीचे ओके okay. सो so, अभी अप्लाई टू ऑल वापस लाइट शो देखो एफ फाइव प्रेस करो सो विद इन थ्री सेकेंड्स द एनिमेशन इज डन सो हम कंट्रोल ले सकते हैं जिसका वेर यू वॉन्ट टू डू द एनिमेशन ट्रांसक्शन कितना टाइम चाहिए साउंड चाहिए ट्रांसेशन का सब कुछ हम कस्टमाइज कर सकते हैं समझ में आया आपको दिस इज हाउ यू अप्लाई ट्रांसेशन फॉर योर स्लाइड हमने तो क्या क्या देखा था एक तो ट्रांसेशन का एनिमेशन देखा था जो कुछ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कर्टन्स विंग ये सब देखे थे और कितना ड्यूरेशन करते हैं वो भी हम देखे थे और साउंड चाहिए तो साउंड भी आप एड कर सकते हो ये जो ऑप्शन होता है जो ऑन माउस क्लिक दिस विल वेट फॉर द ट्रांसक्शन टू चेंज अंटिल यू क्लिक ऑन द माउस माउस क्लिक या एंटर बटन कुछ भी हो सकता है सो वेन यू क्लिक ऑन द माउस द चेंजेस टू द नेक्स्ट ट्रांसिक्शन अभी ये निकाल देंगे तो क्या होगा थ्री सेकेंड्स के लिए ट्रांसिक्शन रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली हर एक एनिमेशन पॉपअप होते ही जाएगा और राइट सो इफ यू वेन क्लिक आउट दिस तब आपको यहां पे जो टाइम है ये सेट करना पड़ेगा बिकॉज यू शुड नो द टाइमिंग अभी ट्रांसेशन खत्म होने के बाद फटाफट इफ इट गोज टू द नेक्स्ट स्लाइड हमें तो पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा है ना सो ऑलवेज वेन यू इट इज ऑन अ माउस क्लिक इट इज अंडर आर कंट्रोल अगर नहीं मुझे तो सिर्फ दिखाना ही चाहता हूं मैं आई डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली स्पीक समथिंग इन बिटवीन तो क्या कर सकते हैं ऑन माउस क्लिक को निकाल सकते हैं और यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं और यू कैन चेंज इट टू लाइक टू टू थ्री सेकंड अभी एक स्लाइड को टू टू थ्री सेकंड टाइम देके यू कैन स्टार्ट मूविंग इट समझ में आया आपको सो वॉट डिड वी लर्न टू वी हैव सीन अबाउट ट्रांसिशन इन स्लाइड सो जो एनिमेशन ट्रांस स्लाइड्स पे रखता है दोज कॉल्ड दोनि एंड ट्रांसिशन आर वन एंड द सेम मगर ट्रांसिशन तो सिर्फ स्लाइड्स पे रहेगा और एनिमेशन तो ऑब्जेक्ट्स पे रहेंगे वट आर द ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट और इमेजेस समझ में आया आपको सो प्लीज ट्राई दिस एट होम एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट बटन इन द एप सो दैट आई कैन क्लारीफाई योर डाउट और सो प्लीज प्रैक्टिस दिस तभी आपको ये सभी ऑप्शंस याद रहेगा ओके सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन अंटू देन बाय बाय